जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस समय हम हैं टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। तो आप सभी का दोस्तों काफ़ी दिनों से ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर, इंडियन आर्मी की भर्ती जो कि अग्निपथ स्कीम के तहत स्टार्ट हो गई है, तो टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती जो है वो कब से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए कहा था कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती भी बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली है और जैसा कि मैंने कहा था वैसा ही हो चुका है। तो दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी की जो भर्ती है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन दोस्तों इसमें अभी आपके लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस समय जो टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भर्ती की नोटिफिकेशन अपलोड की गई है वो है दोस्तों ऑफिसर्स के लिए, ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, जैसे ही ये टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती निकली है, इसके कुछ दिन बाद टेरिटोरियल आर्मी में एज ए जवान यानी कि JCOs और अदर रैंक की भर्ती भी जल्दी से निकल जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही TA आर्मी की भर्ती आएगी मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टेरिटोरियल आर्मी में निकली एज एन ऑफिसर की भर्ती के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं दोस्तों 13 होंगी, जिसमें मेल के लिए 12 और फीमेल के लिए 1 है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपकी जो एज लिमिट है वो दी गई है आपकी 18 साल से 42 साल के बीच में, और आपकी जो एज 30 जुलाई 2022 के लिए 42 साल से कम होनी जरूरी है। मतलब अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और 42 साल से नीचे हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं वो आपके लिए कब से इनवाइट की जाएंगी। तो 1 जुलाई से 30 जुलाई 2022 के बीच में जो है दोस्तों आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन के आपके लिए क्या करना पड़ेगा, टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, www.jointerritorialarmy.government.in पे आपको लॉगिन करना है और आपको इस एप्लीकेशन को जो है वो अपना फिलअप करना है। ठीक है, चलिए अब आपका दोस्तों जो रिटर्न एग्जाम होगा वो होगा आपका 25 सितंबर 2022 के लिए, मतलब 30 जुलाई तक आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद में 25 सितंबर 2022 को आपका एग्जाम होगा। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, तो दोस्तों सेंटर फॉर एग्जामिनेशन जो दिया गया है वो ये है आपका जयपुर, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, बेलगांव, कोयम्बटूर, कोलकाता, गुवाहाटी, उसके बाद में है दोस्तों बेंगडुबी, दीमापुर, दिल्ली, चंडीगढ़, जालंधर, पठानकोट, अंबाला, हिसार, लखनऊ, भुवनेश्वर, आगरा, इलाहाबाद, देहरादून, उधमपुर, श्रीनगर और नगरोटा। ठीक है, इन सिटीज़ में जो है वो आपके टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स की जो वैकेंसी निकली हैं उनका एग्जाम होगा। इसमें दोस्तों आपके दो एग्जाम होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। तो इनका जो टाइमिंग है और नंबर है वो यहाँ पर दिया गया है, आप आराम से देख लीजिए, और इस नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, अगर आप ग्रेजुएट हैं इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात आती है आपकी एज की, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बता चुका हूँ। अब बता दें दोस्तों आपके लिए कि अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट में रहने वाले हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया भर्ती निकली हुई है, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहने वाले हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ें जो इस भर्ती से संबंधित थी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल इतना था कि मैं आपको ये बता चुका कि रेगुलर आर्मी की तरह टेरिटोरियल आर्मी में भी भर्ती जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही आर्मी की भर्ती बंद हुई थी सेम टेरिटोरियल आर्मी में भी भर्ती बंद हो गई थी। तो अब टेरिटोरियल आर्मी में एज एन ऑफिसर यानी कि ऑफिसर की भर्ती खुल चुकी है, तो उम्मीद करते हैं जल्दी ही जवान की भर्ती भी जो है वो खुल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप TA आर्मी की भर्ती की अपडेट पाना चाहते हैं सबसे जल्दी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।